Assalamualaikum everyone, welcome back to हमारे vlogs. कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत ज़्यादा खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे. तो आज हम क्या लेकर आए? आज हम लेकर आए हैं एक चैलेंज वीडियो आप लोगों के लिए, जो कि है मैंगो मिल्कशेक चैलेंज. और ये हम आज करने जा रहे हैं आप लोगों के लिए. जो है कि पुरजोश देखिए, बहुत मज़े के मैंगोज आए हुए हैं मार्केट में, तो क्यों ना उसका फ़ायदा उठाया जाए और ठंडा ठंडा सा चैलेंज किया जाए और आप लोग देख के एंजॉय करेंगे. आप लोग भी करेंगे, हम भी करेंगे, जाहिर सी बातें हम ज़्यादा करेंगे. हाँ, क्योंकि पिएंगे पिएंगे और आप लोग थोड़ा कम करेंगे, लेकिन ज़्यादा कर सकते हैं क्योंकि हम देखें चैलेंज करने वाले हैं. जब हम बनाएंगे ना तो आप भी बना के बैठ जाइएगा और कोशिश कीजिएगा जितना हम पिए उतना ही आप पी लें. हाँ, कोशिश करनी है आपने कि जितना हम पी रहे हैं ना अभी पीने वाले हैं. हाँ, खाना स्किप कर देगा हमारी तरह, खाना स्किप कर देगा और फिर आप आराम से किया हुआ है क्योंकि हमें चैलेंज करना था. और वो भी हमने बहुत लाइट किया था ब्रेकफास्ट अपना. और अभी हो रहा है शाम का टाइम, तकरीबन 5-6 बजे का टाइम है और हमें लग रही है भूख, बहुत जोर की भूख लग रही है. और हमने कुछ भी नहीं खाया है क्योंकि हमने चैलेंज करना था और मजे मजे का चैलेंज करना है. अच्छा, इस चैलेंज की हमने पनिशमेंट भी रखी है, जो बताएंगे, जो हारेगा ना उसको पनिशमेंट जरूर मिलेगी और बहुत ही मजेदार सी पनिशमेंट है. तो जरूर इस वीडियो के हिसाब से बहुत मजेदार पनिशमेंट है. तो मजे तो होने वाले हैं ना, मजे तो होने. इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा. और हम चलते हैं मिल्कशेक बनाने के लिए. तो चलिए आइए, हमारे साथ मिल्कशेक बनाते हैं फिर उसको पियेंगे. तो ये रहे हमारे आम, ये आम है लंगड़ा आम लिया था हमने, तो ये ग्रीन वाले. रेडी हो गया है जैसा कि आप लोग देख रहे हैं. हमारे पास इतने सारे ग्लासेस हैं और 4 ग्लास मेरे हैं, 4 ग्लास जोया के हैं. और ये हम तैयार किए हैं, कुछ 2.5 किलो आम थे और दूध था, दूध का मैंने साफ ही रखा जितना बस डाल दिया ये ग्राइंडर में. अच्छा, हमारे गेम में थोड़ा सा ट्विस्ट है, वो ये है कि हमें इस को स्ट्रॉ से पीना है क्योंकि हाँ छोटी वाली स्ट्रॉ ली है. वो यू ली है क्योंकि ऐसी तो गट 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 करके पी सकते हैं. जो है वो ऐसे पड़ा आपको पता है, गोल गप्पू वाला चैलेंज देखा होगा. गोल गप्पू वाला चैलेंज आप लोगों ने अभी तक देखा नहीं है ना, तो मैं आई बटन पे डाल दूंगी लिंक, तो वो जाके जरूर देख लीजिएगा. और हमें ये स्ट्रॉ से ही पीना है, फिनिश करना है. और जो पहले पिएगा वो जीत जाएगा और जो हार जाएगा उसको पनिशमेंट मिलेगी. पनिशमेंट हम आपको बताएंगे, लेकिन इसको फिनिश करने के बाद हम आपको बताएंगे कि पनिशमेंट क्या है. और कुछ नाम भी लेने हैं. हाँ, आजकल रोज मतलब जब हम अपलोड करते हैं तो सब आते हैं, हमारा नाम ले लीजिएगा, हमें बर्थडे विश कर दीजिएगा या हमारी सिस्टर को कर दीजिएगा, तो वो सब सारे आएंगे. और स्टार्ट करते हैं, अभी भी नाम है वो हम लेंगे. हाँ, इससे पहले गर्म हो और ये इनका मजा थोड़ा कम हो जाए, हम इसको खराब नहीं करना चाहते. और हम भूखे भी बहुत. तो स्टार्ट करते हैं. 1 2 3 स्टार्ट. मुझे लग रहा है मैं जीत जाऊंगी. ये बड़ी स्लो है, ये थोड़ा सा. हाँ, मैंने बताया था ना. शट अप. मैंने बताया था ना, ये थोड़ा सा हमारे घर का कचरा.
यार नहीं होती ना आदत ज्यादा तेज, जैसे यहाँ पे फंसने लगता है मैं क्या करूँ। और ये बहुत ठंडा है तो ऐसे दिल पे ना जाके ठंडा सा हो रहा है कुछ। इन शॉर्ट ठंडक पहली। क्या हम ये खत्म कर पाएंगे है, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट डन होने वाली हूँ। कल पता है मैंने एक वीडियो देखी थी, लड़की इतनी सारी बिरयानी खा रही थी, मतलब आप लोगों ने देखी है क्या वो वाली वीडियोस? OMG, मतलब वो इतनी पतली दुबली सी लड़की थी और वो OMG, मैं पीछे रह जाऊंगी। हाँ नहीं, मैं बाद में बात करूंगी। नहीं भाई, पता मेरा पेट भर गया। अगर आप लोग देखना चाहती हैं जोया इतनी सारी सारी बिरयानी खाए तो बताइएगा, जोया जरूर आपके डिमांड पे ये सब करेगी। मैं नहीं खा सकती बिरयानी, नहीं खा सकती। हम दोनों का दो दो गिलास हो चुके हैं और तीसरा गिलास है, और आज हमारे घर वालों को लग रहा है कि हम पागल हो गए हैं, उनकी बच्चियां पागल हो गई हैं, अब कहते हैं क्या कर रहे हो। मतलब यूजुअली ये होता है ना कि एक गिलास पी के डन हो जाता है, वो तो ये होता है गिलास या डेढ़ गिलास पीते हैं नॉर्मली। नॉर्मली ये होता है एक या डेढ़ गिलास सही हो जाता है। अब अब्बू को लग रहा था कि हम पागल हो चुके। अभी हम लेकर आ रहे थे तो अब्बू कहने लगे भाई पेट खराब हो जाए। हमने अब्बू को कहा, एक्चुअली हमने सिर्फ सुबह में सिर्फ दो पापे खाए थे। क्योंकि हमें पता था, क्योंकि हमें चैलेंज करना है तो हमने ज़्यादा कुछ नहीं खाया था, और दोपहर में भी कुछ नहीं खाया तो हम पी सकते हैं, पेट बिल्कुल खाली था। मुझे उल्टी आ रही है, मुझे पनिशमेंट पता है तो मैं पूरी कोशिश करूँगी ना। मज़े की पनिशमेंट है ना। ओहो, अपने मतलब पनिशमेंट रखी है सोया ने। मतलब ऐसे सिचुएशन में हम हॉस्पिटल ही जा सकते। बताइए कि आपने कितने ग्लास पी लेते हैं। और इसके अलावा ये ग्लास है, बहुत नॉर्मल वाली ग्लास है, नॉर्मल वाली ग्लास है। उसके अलावा ये जब गर्मी में कुछ इतना ठंडा ठंडा कुछ पी लेते हैं ना, तो एकदम से ना वो नींद का अटैक आता है, तो मुझे ना नींद आनी शुरू हो गई। आप मीठा खाएं और क्या कहते हैं कुछ ठंडा या फिर कुछ सेटिस्फाइंग कोई भी चीज़ खाएं तो आपको नींद बहुत। मैं सोच रही हूँ कि मैं ट्राई करूँ। मैं नहीं पी सकती। और अगर नहीं होगी देखें, अगर मैंने इस पर से थोड़ा भी पिया ना, ये तो कोई बात नहीं है। ऐसे तो थोड़ा वेट करके मैं थोड़ा सा तो पी सकती हूँ। ओके, मेरे अंदर थोड़ी सी हिम्मत बाकी है। ट्राई करो। वन, मैं नहीं चाहती कि तुम हारो, फिर मैं ट्राई करूँ। हमें ट्राई अभी ही करना है ताकि दिखाएं ना, यू नो। वैसे स्ट्रॉ से पीने में बड़ा मजा आया, हमारा थिक सा यमी सा। वैसे किस किस का दिल चाह रहा है अभी ना मिल्कशेक पीने का, तो जल्दी ना आज ही बनाएगा और पिएगा जरूर। ओ वैसे गर्मी बहुत है, पियो पियो, मैंने कब बनाई। अब बस लास्ट गिलास है, मैं
मैं एक साथ ही स्टार्ट करूंगी ताकि पता चले ना टाई तो नहीं है ना यार, टाई नहीं करना चाहती, और देखते हैं और ये कौन खत्म करने वाला है। इस पे हम अब काउंट करेंगे 3, 2, 1 इंशाल्लाह सही रहेगा। चलो तो
खुशी तब भी होती है फैमिली के साथ एंजॉय करते हैं, लेकिन नहीं थोड़ा सा होता जब आप पे प्रेशर होता है ना कि ये बिल आपको ही भरना है, जब ज्यादा मजा आता है, ज्यादा आम में ना मुड़ गई जब मेरा तो वैसे ही अभी मैं पहले सबसे पहले नाम ले लूं, कभी फिर इनकी जबान मुड़ती रहे और फिर मेरा भी तलफ्फुज खराब हो जाए इससे पहले मैं नाम ले लेती हूँ। पनिशमेंट मिल गई ना उसका असर देखे भैया, हम बहुत सीरियस हो गए, पनिशमेंट मिल गई, हमें बड़ा अफसोस हो गया। उसका भी ब्लॉग बना के हम अपलोड करेंगे। देखें देखें, सिर्फ एक घूंट से इन्होंने मुझे हराया, ऐसे गुड़ करके सारा पी गई यार। वो उसकी ना पता है बर्फ ना वो मेल्ट हुई थी, क्योंकि हमने मैंने कुछ ज़्यादा बर्फ डाली थी, हम लोगों को पसंद ही ऐसा है बहुत ज़्यादा, हम ठंडा पीते हैं ठंडा, और क्या कहते हैं वो मेल्ट हो गया था। हाँ दूर से बोली, वो मेल्ट हो गया था तो इसलिए मैंने ज़रा जल्दी से पी लिया, और ये था कि मुझे जीतना है। हाँ जी, तो फिर मैं सबसे पहले नाम ले लेती हूँ, वो है सरजील तारिक ने कहा था, उनकी भांजियों के नाम हैं हया, हुरा और दुआ, और उनके भतीजे का नाम है इब्राहिम। फिर हैं फ़ायज़ा सगीर, शैला यूसुफ, साइम अली, कंजा नजीब, उवेस माही है, और हूर अकबर, होम एंड हाउस होल्ड महानूर, और आयशा की बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे आयशा। शिफा उल एन ने कहा था कि आयशा की बर्थडे है उनकी बहन और उससे विश कर देगा, तो हमने विश कर दिया है। और बस यही थे आज के हमारे नाम, और आप लोगों ने बताना है कि हमारा आज का ये कंपटीशन या ब्लॉग जो भी था कैसा लगा आपको? कैसा लगा आप सबको? और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेगा, और हमारा आज का ब्लॉग अच्छा लगे तो कमेंट करके बताना है, साथ साथ आप सब ने लाइक करना है। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।